फारिक बैठा हुआ था, मुझे अपने चैनल के लिए कोई कंटेंट मिल नहीं रहा था, तो मैंने कहा आज क्यों ना फिर CPL पे ये एक फ़नी वीडियो गेम प्ले बना दिया जाए। वैसे तो CPL तो खेल या अपलोड कर नहीं सके कॉपीराइट की वजह से, तो एक गेम प्ले बना सकते हैं वो भी फ़नी, कोई भी क्रिकेट गेम प्ले करके। तो मैंने कहा फाइनली क्यों ना एक फ़नी गेम प्ले बना लें, वही CPL के नाम पे फ़नी गेम प्ले, ताकि व्यूज़ भी मिल जाएँ और थोड़ा बहुत चश्का भी हो जाए। तो हाँ, अगर अभी तक आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, आपकी मर्जी है, कोई फोर्स नहीं है। चलो, आपको पकाता नहीं हूँ पकौड़े की तरह। अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओ फाइनली टास हुंदी पई है, और ये टास हो गई है। ये जो नीले कपड़े वाले हैं ना, इसने टास किया और टेल्स किया, और वाकई टेल आया, जिसके बाद इसने जो है वो बैटिंग करने का फैसला किया और नीचे से हाथ थमाया उसको, और उसने भी मान लिया ये जो है वो हरी टीम वाले हैं जिन्होंने बॉलिंग करना है, उसके प्लेयर्स हैं। देखने तो आपने वैसे भी नहीं है फिर भी, और ये जो है वो बिली शीट वाले की जो है कपड़े खिलाड़ी, और ये ओपनर जाते हुए पता है फाड़ा तो नहीं मारेंगे, और ये एम्पायर बाल को ऐसे हाथ में गेंद रहा है जैसे सबके मत्थे से फोड़ेगा ये। चलो, ये एम्पायर्स हैं, चल तो ऐसे रहा है जैसे कुकी पहलवान हो, इसे अरेस्ट वारंट का सर्टिफिकेट मिला हो। और ये गंजे क्रिस लेन, ये प्लेयर्स जा रहे हैं 11 के 11 लड़ने, जैसे गली में दो लड़के नहीं लड़ते, तो और ये उधर जाकर एक दूसरे से लड़ते हैं पत्थर उठाकर, का वही सीन था। ये वही बल्लेबाज जा रहे हैं जिनको आज मैं खिलवाऊंगा अपनी उंगलियों से, उंगलियों पर नचाऊंगा जिसे कहते हैं। और ये जो है वो बगलों में डंडा डाल कर लेके जा रही है, डंडा नहीं है बल्ला है, इसे तू डंडा समझ कर ले जा रहा है। और ये लकीरें लगाते हुए शशका शो मारते हुए, अरे 2 रुपये इसके ओवर एक्टिंग के काट, वो क्या कहते हैं वो भी मैं मीम लगाता हूँ आप देखें। चले एक काम कर, 200 रुपये दे और 50 रुपये काट ओवर एक्टिंग के वजह। और ये पहली बार चलते हुए बैटिंग से तो ये लग रहा है छक्का मारेगा, पर छक्का तो नहीं मारा इसने, सिंगल लिया। इसी बैटिंग से बेहतर है तू मर जाता, लख दी लानती तेरे पे, थुक के तेरे पे। और इसके बाद ये दूसरा बैट्समैन है खुद को फन्ने समखा समझते हुए, और ये दूसरी ओवर की दूसरी बॉल जा रही है, मुझे लगता है ये आउट होगा। और देखते हैं ये क्या करता है खुद को बैट्समैन मानते हुए। और ये ले बच्चे, मैं क्या करूं आप खुद ही सुन ले। अरे बहुत मनूठ लग रहे हो, मत करो रन लो, रन बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया, मैं अकेला गा लेता हूँ। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। It's on the body. It's a nasty delivery. और इसी साथ के साथ ये पहले ओवर की आखिरी बॉल, और यही पहली ओवर खुआरी की, और दूसरा ये ओवर का ये पहला बॉल लगाते हुए खुशी के साथ बॉलिंग कराते हुए, और पहली ओवर की चौथी बॉल, वो जबरदस्त खेल दिया इसने भी, कुछ किया है इसने, कुछ किया है, बाकी में तो हाल ही नहीं था, अब इसको अवार्ड मिलना चाहिए। और ये पहली ओवर की पाँचवीं बॉल, जबरदस्त शॉट, दो खिलाड़ी पीछे भाग रहे हैं, अल्लाह इनको माफी दे, बाल आज में तो आने ही नहीं वाली, पता नहीं क्या खाक खराया। अब जो ऐसे नजर ना लग जाए, दो चौके इसने एक साथ मारे, ये दूसरी ओवर की लास्ट बॉल है, सॉरी हाँ दूसरी ओवर की लास्ट बॉल है। अब ये यॉर्कर बॉल दी और ये बच गया, थी यॉर्कर बार पर बच गया, पर वही कंजर पूरा किया जो उन्होंने क्वारी वाला किया था। ये नया बॉलर आया, परांठो परांठो, ये बॉल भी इसने मिस की तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, फिर मुझे मत कहिएगा कि आप गेम प्ले में इस तरह गुस्सा क्यों करते हैं। लकदी थू थू थू, देयर इज अ फील्ड दैट कवर। और ये जो है वो ओवर की दूसरी बॉल चलते हुए, और ये सीधा आउट की कॉल देते हुए, प्लेयर की सांस निकल रही है, एम्पायर का फिर भी जो है वो घर से ना के लिए ना ही। और ये आपस में अब अपने घर का हाल अहवाल पूछते हुए कि किसी माई किसको मारती है घर में। चलो सेट कर, इसने सीरियस फैसला लिया, थर्ड एम्पायर से कॉल मांगी है, अब देखते हैं थर्ड एम्पायर क्या बोलता है। रिव्यू आया है, और ये बाल कहलाते हुए, और ये फेंकते हुए बाल को, और ये सीधा लगते हुए स्टैम्प को, पेड़ को जिसे कहते हैं, और ये जो है वो आउटसाइड बाल गिरी। एम्पायर अच्छा है, लगता है कुछ अच्छा खा कर आया, घर से मार नहीं खा कर आया, दिमाग काम कर रहा है उसके। बाल हिटिंग हुई है पर पिचिंग आउटसाइड थी, इम्पैक्ट आउटसाइड था, तो जिसकी वजह से रिव्यू जो है उन्होंने मांगा था
वो लॉस हो चुका है और इसी के साथ इनको चुप करके बैठना होगा। अंपायर ने भी जो है ऐसे गुस्से में आकर गर्दन हिला दी है और अभी प्लेयर को जो वो फुल जोश आ चुका है, मैं देख रहा हूँ। और ऐसा ही हुआ, उस जोश में उसने आकर ये चौका लगाया फ्रंट की तरफ। चलो ये भी अच्छा हुआ, पाकिस्तान की तरफ निभागे नहीं, चौका लगा ही दिया। अब मैं क्या कहूँ इनको, तो यही कह सकता हूँ। फिर से जो बॉलर कहते हुए कि मैं बाँ दे दूंगा और ये चौथी ओवर की चौथी बॉल कराते हुए वट्टे की तरह हाथ में बॉल फेंकते हुए और ये बाल आगे फेंकते हुए और सीधा विकेटों में मारते हुए और ये आउट के लिए कॉल करते हुए उंगली चौक के, और अंपायर ने जो है वो भी उंगली चौक दी है और इसके साथ प्लेयर की जो है वो उंगली भी चौक दी गई है। पर मुझे लगता है ये अपील मांगेगा। हाँ भाई, अपील मांगेगा, टाइम ज़ाया होता है वो, पर ये अपील मांगेगा। मुझे पता है फैसला जो है वो बॉलर के हाथ में जाएगा, क्योंकि उसने बाल जो है वो चौक के मारी है, उंगली भी चौक के अपील की थी और अंपायर ने भी हाथ चुकी है और स्टंप ने भी जो है उंगली चुकी है, तो आउट का आउट ही होगा। पर पिचिंग आउटसाइड, विकेट आउटसाइड, इंपैक्ट इन लाइन, ये भी सही है और इसके साथ विकेट नॉट हिटिंग। सॉरी सॉरी गाइस, मैं गलत, मेरे 2 मिनट रुपये जो है वो ओवर एक्टिंग का काटो। और अंपायर ने जो है इसी के साथ दोनों हाथ कंधों पर रखकर माफ़ी मांग ली है और प्लेयर एक दफ़ा और गुस्से में, और पार्लर ने भी है जो फिर से यार का ठोक डाला है और उसका यही कहना है कि अब नहीं छोड़ूंगा मैं, लाना थी तेरे मुंह पे, लेगा तो डबल ही। और इसके साथ मुझे लगता है नहीं बचने वाला, चल फिर डबल रन ले लिया फुल जोश में लगते हुए। लगता है जामी श्री कुछ ज़्यादा ही पी लिया इन्होंने। और मैं देख रहा हूँ कि बल्लेबाज जो है वो फुल जोश में है, फुल हाइप दिखा रहे हैं और छक्का लगाने की कोशिश करेगा। हाँ मैं सही था, आगे बढ़कर उसने जड़ दिया इस गंजे को छक्का। पर ऐसी ही खुआरी के बाद जे चैप्टर ने जो है वो फ्रंट की तरफ चौका लगा कर जो अपनी फिफ्टी मुकम्मल कर रही है। अब इसके लिए अवार्ड तो बनता है ना बाबे, प्लेयर भी खुशियाँ मनाते हुए, अबे बनाए एक रन भी नहीं है और अगले के खुशियों में खुशी, और ये भी अच्छी बात है, चले अच्छी बात है। और ये एम्पायर जो है वो काले कर करके थक गया है, इसकी भी कमर में दर्द हो गया। चलो 50 इसको कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हैं। और इसी तरह खुआरी करके उन्होंने दिया है उनको 75 रन का टारगेट। दोबारा फिर से जो है वो बैट्समैन आते हुए और ये बॉलिंग कराते, क्रिस लेन आगे खारिज करते हुए और ये स्पिन बॉलिंग कराते हुए, ये ई लेविस करे तो कुछ भी नहीं, चले फिर भी देख लेते हैं क्या कहते हैं। और ये आते साथ यार कर बाल देते हुए, इतना पेना है उनको, उसके बाद भी सबर नहीं आ रहा। वैसे आपको अगेंस्ट बता दूं, 75 रन का रन दिया, टारगेट दिया और ये पहली बॉल जो है वो चल चुकी है। ट्राई बॉल वाला यहाँ सीन ही नहीं है बाबा, जल्दी करो, जान छुड़ाओ, मैच को पूरा करो बाबे। और ये दूसरी बॉल पकड़ कर वाइट वाले तरफ बल्ला वो एट समझ के साट देती है। चलो ये भी बॉल अभी चलेगी, देख लेते हैं वाइट होता है। उमूमन वाइट तो नहीं होगा, वाइट से तो बच ही जाएगा, पर एक फजीलत होती है, बाल बॉलिंग कर रहा है, कोई वट्टा नहीं फेंक रहा। अब ये देखें, ये होता है, ये देख उसने भी जो है फर्स्ट क्लास शॉट खेल दिए गैप के लिए और ये ज़बरदस्त फोर हो जाएगा नो डाउट। वाइट तो नहीं हुआ रहता, फोर हो गया। ये भी यार बैटिंग नहीं करनी आती, कम से कम बॉलिंग तो कर लो। अब बेचारे को और जो है जिसकी 50 थी उसके रन ज़ाय कर दिए। लगता है राशिद खान ने मेरी रोस्टिंग सुन ली है और डायरेक्ट पैरों में फेंकी है और ये डायरेक्ट ओ टांग पनी सी आ, राशिद खान ने टांग तोड़ने के पीछे था प्लेयर के, ये सारे खिलाड़ी अब हंस रहे हैं और ये कोर बॉल जो है राशिद खान करवाने के लिए तैयार हो गया। ये भी विकेटों के पास फेंकी है, लगता है ये अब इसे आउट कर ही छोड़ेगा, और मुझे लगता है आउट करेगा। राशिद खान अच्छा बॉलर है, इसे उम्मीद की जा सकती है। और पिछली ओवर खुआरी की कंप्लीट हो गई, अब ये सेनेटर आया अगली बॉल अगर चलाने के लिए और ये डायरेक्ट उसने विकेट की तरफ बॉल फेंक दी, आउट कर दिए। और ये कोई पौधे यार, इनू नेवी जाके सट्टो उस जाको को सिक्के और क्रिस लैन जीरो बॉल से आउट होते हुए ये जी खुआरी के नाल। और ये नवा बल्ला आया इन्हें कर तो कोई सकना नहीं है, चलो फिर भी सागे स्टाइल मार दे हुए ओवर एक्टिंग। चलो एक और वाइट साल सेनेटर ने एक बॉल अच्छी करा देनी है बस, उस तो बाद ही कहना आउट कीता है ना पूरी ओवर में, भले तू 10 रन दे के आ जाए आउट कीता है ना, ये काम होते हैं इनके। और अंपायर ने भी ऐसे
चड्डे की तरह वो चड्डों की तरह हाथ भी खोल दिए। इनको जीतने के लिए चाहिए 49 बॉल में 62 रन्स। सेनेटर ने फिर जो है वो आगे बाग फेंक दी। इतनी मैंने इसे रोस्ट किया, इसने भी सुन लिया होगा राशिद खान की तरफ। अब देखते हैं क्या करता है। ये गिरती लग रहा है थोड़ा, हाँ ये गिरती है, और ज़बरदस्त डाइव आउट जो है वो किया है सेनेटर की। ये लगता है भागा तो इस तरह जैसे ग्राउंड छोड़ जाएगा। चलो ये टारियां मारते हुए आपस में, गंजे के सर पे भी एक ताड़ी मारो, पर चलो ठीक है काम बन गया, आप आउट हो गए, टिकटें बिक गई, बंदे खाक पी लिया, हजम हो गया सर। वैसे हाँ आपको एक बात बताना भूल ही गया कि आप कहेंगे यार ये बालों की तरह रन्स भी जो है वो खा रहा है। मैं रन्स नहीं खा रहा, मैं जो है वो शॉट बेस्ट शॉट जो लेके आ रहा हूँ। इसे अब इसने जो है गैप में जबरदस्त शॉट फोर की खेली है, मुझे बहुत ही पसंद आई डंक की शॉट गंजी की। तो मैंने कहा इसे रिकॉर्ड क्यों ना कर लें, और इसी तरह आपने देखा कितनी ज़बरदस्त शॉट थी इसकी। चलो अब हम इसमें रिप्ले में देख लेते हैं। वही बड़ा कारनामा तो नहीं किया, पर फिर भी जिस खिलाड़ी से कुछ एक्सेप्ट नहीं किया जा सके और उसके लिए से एक फोर मिल जाए आपको, वही बड़ी बात होती है। और ये बाउंड्री के पास जाकर शुगर रुकी नहीं, बाउंड्री के परली तरफ ही गई है। वैसे भी ये नई बॉल चली, अब देखना ये बॉल मिस ही होगी। मैं लिख कर देख रहा हूँ डंक, इनसे कुछ एक्सेप्ट करना ही नहीं है, इनसे कोई उम्मीद तो है ही नहीं। अब क्या उम्मीद रखनी है वैसे, अब मुझे पता था। चलो सिंगल रन भी तो इन्होंने लिया, सिंगल से भी डबल ले लिया। चलो डंक लगता है कुछ खा पी कर आया। तो ऋषि के साथ राशिद खान को डंक ने जो है वो तीसरी ओवर की पांचवी बॉल पर भी चौका लगा दिया। डंक लगता है चिकन जो है वो ओरिजिनल खा कर आया, अब ताज़ी ताज़ी बन करने के लिए फैक्ट्री से वो इसने खाई है और इसने जो है वो चौका लगाया है। मानो ना मानो इसके लिए जो है वो अवार्ड बनता। अब पता नहीं कौन सा ये फौजी बॉलर आया है, इसने जो है वो बॉल कराई है इसके सीधी छाती पर मारी है, पर शुक्र है जो है वो डंक बच गया है। डंक ने वैसे दो चौके लगाए, उसके बाद कुछ भी नहीं किया, बहुत सी ओवरें गुजर गई। ये पानी पी रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, और पता नहीं इसके बार बार जो है वो पूट के मोजे क्यों खुल जाते हैं। और ये डंक जो है प्लानिंग करते हुए गंजा ज़बरदस्त अच्छे रन्स लिए हैं इन्होंने। और इसी के साथ जो है वो होल्डर बॉलिंग के लिए आया। आप देखते हैं बॉलर होल्डर के जो है ब्रॉक्स को भेज दिया है। 24 बॉल 34 रन चाहिए। अब ब्रॉक्स बॉलिंग कर रहा है डंक को, सातवीं ओवर की पहली बॉल, और देखते हैं क्या करता है ब्रॉक। ब्रॉक ने प्लानिंग की पर कोई काम नहीं आई। उन्होंने डंक ने फिर भी एक रन ले लिया एंडी कोला। सर टाइम अब बीते हुए और 10वीं ओवर की लास्ट बॉल चलाते हुए तो हमने कहा मैच तो अब जीत नहीं सकते, 25 रन का फ़र्क है, क्योंकि ना एक जो है वो नो बॉल इनको दे दे, और नो बॉल दी और इन्होंने फाड़े कुछ भी नहीं मारने, फिर भी दे दीती है। चलो पुत्र छुट्टी करो, जो है वो पिक्चर ख़त्म हो गई है और पैसे भी मौक गया। और गाइस, और हाँ अगर आपको जो है वो वीडियो अच्छी लगे, फ़नी लगी हुई तो कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा, और ताकि ऐसी फ़नी वीडियो जो हम बनाते रहें। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।